इस इमेज को देखें, इसमें जो पिंक कलर का बड़ा एरिया है, यह है आज का रूस यानी रशिया। लेकिन साल 1991 से पहले इस सभी जो कलरफुल एरिया है, जिसमें टोटल 15 जितने देश है, वो सब मिलाकर एक देश था 1991 से पहले, जिसका नाम था USSR। लेकिन रातों रात ही इतना बड़ा देश टूट गया, बिखर गया, जिसके झटके आज भी 30 साल बाद भी महसूस किए जाते हैं। और 20वीं सदी का इतिहास, अर्थव्यवस्था, विचारधारा और तकनीक जैसे हर क्षेत्र को प्रभावित करने वाला देश अचानक कैसे टूट गया? क्योंकि उस समय USSR में करीब 100 जितने अलग अलग सभ्यता और संप्रदाय के लोग रहते थे, जिनके पास हमारी धरती का छठा भाग था। एक बहुत बड़े इलाके में यह USSR फैला हुआ था, जिसने हिटलर को हराया था, अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर किया था, परमाणु हथियार में सबसे आगे था, वियतनाम और क्यूबा देशों की क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। USSR ने ही स्पेस में दुनिया का पहला उपग्रह भेजा था, पहला इंसान भी इसी देश का था जो स्पेस में गया था। इसके अलावा खेल जगत में, कला और साहित्य में, विज्ञान और तकनीक में USSR सबसे आगे था उस दौर में। फिर भी दुनिया के इस सबसे बड़े देश का विभाजन हो गया, वो भी क्रिसमस की रात 1991 में। जैसे 1946 में हमारे भारत का बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान अलग बना था, वैसे ही। तो आज के इस वीडियो में हम इस USSR का पूरा इतिहास जानेंगे कि ये कैसे टूटा, क्यों टूटा, टूटने के बाद कितने नए देश बने, इसके क्या कारण थे, बहुत कुछ इस बारे में डिटेल्स में हम जानेंगे और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो इसे USSR क्यों कहते हैं और ये कैसे बना था, इस बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। USSR का मतलब होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसमें सोवियत का मतलब होता है जो नियम और कानून बनाए, सोशलिस्ट यानी समाजवादी विचारधारा के लोग, जो रिपब्लिक थे यानी गणराज्य। तो इन 15 गणराज्यों का एक ऐसा समूह जो समाजवादी विचारधारा के साथ अपने बनाए नियम कानून से चलता था, जिसे USSR कहते थे। तो जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू था साल 1917 में, तब इसी रूसी साम्राज्य का राजा चार निकोलस था। इस पूरे भाग पर चार निकोलस का शासन था, जो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। लेकिन साल 1917 में रूस में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन यानी बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसे अक्टूबर क्रांति और रशियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, जिसके लीडर थे लेनिन। तो लेनिन के नेतृत्व में रूसी साम्राज्य समाप्त हो गया और इनके राजा जार निकोलस का तख्ता पलट हो गया। लेकिन 1917 से लेकर 1922 तक इस पूरे भाग में गृह युद्ध छिड़ गया, जिसमें सभी कम्युनिस्ट पार्टी आपस में लड़ रही थी। लेकिन 1922 आते आते लेनिन ने सब कुछ शांत कर दिया और इन सभी देशों को आपस में मिलाकर 1922 में USSR की स्थापना हुई, जिसके लीडर थे लेनिन। इस इमेज को देखें, इसमें जो 15 देश है, इसे मिलाकर USSR बना। तो इन 15 देशों को रशियन लैंग्वेज में सोवियत कहा जाता है। इन सभी देशों की अपनी अपनी सोवियत होती थी, पार्लियामेंट की तरह, जैसे कजाकिस्तान की अपनी सोवियत, यूक्रेन की अपनी सोवियत, ऐसे ही इन सभी देशों की अपनी अपनी सोवियत थी, जो पार्लियामेंट की तरह ही काम करती थी, एक ग्रुप में, एक यूनियन की तरह। USSR को लेकर लेनिन की विचारधारा बहुत साफ थी कि USSR के इन 15 देशों में करीब 100 जितने अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते थे, जिसमें सबसे ज्यादा रूसी लोग थे। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान के तुर्क लोग, किर्गिस्तान के किर्गिज लोग, यानी नॉन रशियन लोग जो थे, वो सब एक हो जाए। लेनिन का मानना था कि कुछ सालों में ये सभी अलग अलग संप्रदाय के लोग आपस में घुल मिल जाएंगे और हम USSR को एक बेहतर देश बना देंगे। असल में लेनिन USSR को एक लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते थे, जैसे हमारा भारत और अमेरिका है, वैसे ही। लेकिन इससे पहले ही साल 1924 में लेनिन की मौत हो गई और USSR की सत्ता संभाली जोसेफ स्टालिन ने। लेकिन स्टालिन एक तानाशाह निकला, हिटलर से भी बुरा तानाशाह, क्योंकि स्टालिन ने आते ही मॉस्को में एक संसद बनाई, जिसका नाम सुप्रीम सोवियत ऑफ द सोवियत यूनियन था। और यहीं से USSR में तानाशाही की शुरुआत हुई। स्टालिन ने USSR में वन पार्टी रूल लागू किया, यानी
एक पार्टी ही काम करेगी, कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरी कोई पार्टी नहीं बनेगी और ना ही कोई दूसरी पार्टी बना सकता है। मॉस्को में इस सुप्रीम सोवियत बनने के बाद पूरे यूएसएसआर का पावर स्टालिन ने अपने हाथ में ले लिया। स्टालिन की परमिशन के बगैर यूएसएसआर में कुछ भी नहीं हो सकता था। सारे डिसीजंस, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, सब कुछ स्टालिन की कम्युनिस्ट पार्टी के पास आ गया। स्टालिन की एक छोटी सी समिति जिसमें कुछ गिने चुने लोग थे, वे ही लोग यूएसएसआर का लीडर चुनते थे और यूएसएसआर के सारे फैसले लेते थे, जिसे पोलित ब्यूरो कहा जाता है। इस इमेज को देखें, ये स्टालिन है और ये बाकी उनकी समिति के सदस्य हैं। एक तरह से ये लोग पूरे यूएसएसआर पर राज करने लगे थे। लेकिन इस दौरान यूएसएसआर ने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे 5-year plan की योजनाएं, यानी पंचवर्षीय योजनाएं दुनिया में सबसे पहले यूएसएसआर ने शुरू की थी साल 1928 में, जिसमें शुरुआत में यूएसएसआर बहुत सफल भी हुआ और उनकी सफलता को देखकर दुनिया के बाकी देशों ने भी उनकी पंचवर्ष योजनाओं की कॉपी करना शुरू कर दिया, और जिसमें हमारा भारत भी आज शामिल है। और दुनिया के ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में आज भी ये पंचवर्षीय योजनाएं लागू है। तो हम स्टालिन की बात कर रहे थे कि स्टालिन एक तानाशाह था और स्टालिन के ही दौर में यूएसएसआर में राजनीति, अर्थव्यवस्था और इसकी आम जनता पर धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण हो गया, और जो लोग भी इसका विरोध करते थे उन्हें पकड़कर गुलग में भेज दिया जाता था। इस इमेज को देखें, ये गुलग है जहां पर स्टालिन के विरोधियों को बंद कर दिया जाता था। उनसे रात दिन काम करवाए जाते थे, उन्हें यातनाएं दी जाती थी और फिर मार दिए जाते थे। इस मैप को देखें, इसमें लोकेशन के ये जितने भी निशान हैं वो सब जगह गुलग बनाए गए थे। और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि हिटलर ने जितने यहूदियों को गैस चैम्बर में भर भर कर मारा था, उससे कहीं ज्यादा स्टालिन ने अपने ही देश यूएसएसआर के लोगों को ही इन गुलग में मार दिया था। इसीलिए तो कुछ इतिहासकार स्टालिन को हिटलर से भी बुरा तानाशाह कहते हैं। स्टालिन सिर्फ अपने विरोधियों को ही नहीं बल्कि अपनी आर्मी के अफसरों को, अपने ही मंत्रियों को भी मरवा देता था। और जब साल 1953 में स्टालिन की मौत हुई, तब तक उसने करीब यूएसएसआर के 1,80,00,000 जितने लोगों को गुलग में बंद करवाया था, जिसमें लाखों लोगों को मौत के घाट उतर दिया गया था। तो इस तरह से स्टालिन ने यूएसएसआर को और उनकी जनता को गुलाम बना लिया था। लेकिन 1953 में स्टालिन की मौत के बाद जितने भी लीडर बने यूएसएसआर के, उन्होंने भी स्टालिन की तरह ही काम किया साल 1985 तक, जिसमें स्टालिन के बाद निकिता खुशरेव कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के प्रथम सचिव बने। फिर साल 1964 में खुशरेव की जगह लियोनिड ब्रेजनेव ने संभाली। फिर साल 1977 में नए संविधान के तहत लियोनिड ब्रेजनेव यूएसएसआर के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए, पर 1982 में इनकी भी मौत हो गई और यूरी आंद्रोपोव आए। लेकिन 2 साल में, यानी 1984 में इनकी भी मौत हो गई और कॉन्स्टांटिन सेरेन को राष्ट्रपति बने, पर अगले साल इनकी भी मौत हो गई और 1985 में मिखाइल गोरबाचेव आए। अब इनमें से मिखाइल गोरबाचेव को छोड़कर बाकी सब ने स्टालिन का रास्ता ही अपनाया था, लेकिन मिखाइल गोरबाचेव ने ऐसा नहीं किया था। मिखाइल गोरबाचेव की बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे। इससे पहले यूएसएसआर की कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐसे कौन से काम किए थे जिस कारण यूएसएसआर के टूटने की संभावना बढ़ने लगी थी, जिसमें सबसे पहला तो तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप था, जिसकी हमने बात की अभी कि स्टालिन ने और उनके बाद के तानाशाहों ने कैसे यूएसएसआर के लोगों को दबा दिया था, गुलाम बना लिया था। दूसरा कारण अंतरिक्ष में जाने की होड़। वर्ल्ड वॉर टू के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों ही देश दुनिया में जो महासत्ता बनने की होड़ थी उसमें लगे हुए थे। अमेरिका भी खुद को साबित करना चाहता था और यूएसएसआर भी खुद को साबित करना चाहता था। इन दोनों के बीच एक कॉम्पिटिशन शुरू हुआ था कि स्पेस में सबसे पहले सैटेलाइट कौन भेजता है, तो इसमें यूएसएसआर जीत गया। दुनिया का पहला सैटेलाइट यूएसएसआर ने भेजा था स्पेस में, जिसका नाम था स्पुतनिक 1 और साल था 1957। फिर स्पेस में पहला इंसान कौन भेजता है, तो उसमें भी यूएसएसआर जीत गया। तो स्पेस में जाने वाला दुनिया का पहला इंसान यूएसएसआर का यूरी गागारिन था,
जो साल 1961 में स्पेस में गया था। फिर एनिमल में भी यूएसएसआर का लाइका नाम का कुत्ता पहली बार स्पेस में गया था। यानी यूएसएसआर इन सब में अमेरिका से बहुत आगे था। लेकिन इस काम में यूएसएसआर ने बहुत पैसे खर्च कर दिए, अरबों खरबों रूबल। और स्पेस में जाकर यूएसएसआर को मिला क्या? सिर्फ नाम मिला, क्योंकि अभी तक तो स्पेस में किसी को सोना चांदी या हीरा ऐसा कुछ तो मिला नहीं है। इसलिए अंतरिक्ष में जाने की होड़ में यूएसएसआर ने जरूरत से ज्यादा खर्च कर दिया था। तीसरा कारण था हथियारों की होड़। उस समय परमाणु युग शुरू हो गया था। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में आपको पता ही होगा। तो यूएसएसआर को डर था अमेरिका से, और उनका डर भी जायज था, क्योंकि अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। तो अमेरिका हम पर भी, यानी यूएसएसआर पर भी न्यूक्लियर बम गिरा सकता था। इसीलिए खुद को बचाने के लिए यूएसएसआर ने एक के बाद एक परमाणु हथियार बनाने लगा था। उस समय यूएसएसआर और अमेरिका दोनों परमाणु हथियार बनाने की कॉम्पिटिशन में थे कि कौन सबसे ज्यादा परमाणु हथियार बना लेता है। और उस समय इन दोनों देशों को मिलाकर इनके पास करीब 26,000 परमाणु हथियार थे। कितने? 26,000 परमाणु हथियार। अब ये दोनों देश इतने सारे परमाणु हथियार क्यों बना रहे थे? क्योंकि मान ले अगर अमेरिका यूएसएसआर पर परमाणु हमला करे तो कहां करेगा? जहां पर यूएसएसआर के परमाणु हथियार है वहां पर, जिससे यूएसएसआर के परमाणु हथियार वहीं पर फट जाए। फिर यूएसएसआर क्या करेगा? उनके पास और भी परमाणु हथियार होने चाहिए ना, तभी तो अमेरिका पर वापसी हमला कर पाएगा यूएसएसआर। इसलिए परमाणु हथियारों को प्लेन में, सबमरीन में, जमीन पर, हर जगह पर तैनात रखने के लिए दोनों देश इतने सारे परमाणु हथियार बना रहे थे। इसके अलावा दोनों देश अपनी सेनाएं बड़ी करने लगे थे, आर्मी व्हीकल बढ़ाने लगे थे, टैंक, सबमरीन, गाड़ियां, इन सब चीजों में दोनों देश अनगिनत रुपए खर्च कर रहे थे। तो इन हथियारों की होड़ में यूएसएसआर ने अमेरिका को बराबर की टक्कर दी थी। लेकिन यूएसएसआर को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। यूएसएसआर की इकोनॉमी गिरने लगी थी, उनकी तिजोरियां धीरे धीरे खाली होने लगी थी। अगला कारण था शीत युद्ध, यानी कोल्ड वॉर। इस बारे में आपको पता ही होगा जो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच हुआ था, क्योंकि दोनों को दुनिया की महासत्ता बनना था। अब यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट देश था और अमेरिका एक डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक देश था। अब यूएसएसआर चाहता था कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैले, और अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र फैले। इसलिए यूएसएसआर कम्युनिज्म वाले देशों की मदद कर रहा था, जैसे उस समय नॉर्थ कोरिया, चाइना, क्यूबा, वियतनाम, ऐसे कई देशों को यूएसएसआर हेल्प कर रहा था। उन्हें हथियार देता था, टेक्नोलॉजी देता था, मटेरियल और बाकी जरूरी चीजें और पैसे भी। यानी यूएसएसआर दुनिया में कम्युनिज्म फॉलो करने वाले देशों को यह सब देता था। लेकिन कब? शीत युद्ध के दौरान। तो ये कोई 1-2 साल का युद्ध नहीं था, ये करीब 45 साल तक चला था। वर्ल्ड वॉर टू के तुरंत बाद यानी 1945 में शुरू हुआ और 1991 तक चला था। तो इतने लंबे समय तक दूसरे कम्युनिस्ट देशों की मदद करने से यूएसएसआर को बहुत नुकसान हुआ, उनकी इकोनॉमी और गिरने लगी थी। ऊपर से वियतनाम और अमेरिका का जो युद्ध हुआ था उसमें यूएसएसआर के सपोर्ट से वियतनाम जीत तो गया, लेकिन यूएसएसआर ने बहुत पैसे खर्च कर दिए थे इसके लिए। अगला कारण था नारकीय नौकरशाही। इतने बड़े देश यूएसएसआर में तानाशाही और एक छोटी सी समिति के शासन के कारण इस सोवियत संघ में नौकरशाही फैलती गई, और यह नौकरशाही यूएसएसआर के सभी संप्रदायों में बढ़ती जा रही थी। मतलब उन लोगों को कोई भी काम करना हो, किसी भी चीज के लिए कागज, स्टैम्प पेपर और अपनी खुद की पहचान की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। इतने कठिन नियम और कानून बनाए गए थे जिस कारण इन नौकरशाही ने यूएसएसआर को एक कठिन देश बना दिया था। जैसे आज के समय में नॉर्थ कोरिया में जैसा है, कुछ वैसा ही यूएसएसआर में हो रहा था उन दिनों। अगला कारण था नाकाम अर्थव्यवस्था। यूएसएसआर की इकोनॉमी जो थी, अर्थव्यवस्था, वो जर्मनी के कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से प्रेरित थी, जिसमें उत्पादन, बंटवारा, अदल बदल यानी संसाधनों के आपसी लेन देन सभी को समाज की संपत्ति होना मानते थे। और एक तरफ यूएसएसआर में सभी बिजनेस, फैक्ट्रिया या कोई भी उद्योग हो, सभी के मालिक
उनकी कम्युनिस्ट पार्टी थी। जनता को बस काम करना था उनके उद्योगों में, आम जनता खुद का बिजनेस नहीं कर सकती थी। इस कारण यूएसएसआर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती में और उद्योग में लगाया गया था। लेकिन अमेरिका में लोग खुद का काम करने के लिए आजाद थे। वहां पर आप खुद की फैक्ट्री या कुछ और काम कर सकते थे जिसका मालिक भी आप खुद होते थे। पर यूएसएसआर में ऐसा करने पर पाबंदी थी। इस कारण यूएसएसआर इकोनॉमी के लिहाज से अमेरिका से पिछड़ता गया और 1980 का दशक आते आते यूएसएसआर की इकोनॉमी और जीडीपी अमेरिका से आधी हो गई थी। अगला कारण अफगान वॉर। जैसा कि मैंने बताया आपको कि यूएसएसआर की कम्युनिस्ट सरकार दुनिया के बाकी कम्युनिस्ट देशों को सपोर्ट करती थी, ऐसे में अफगानिस्तान भी एक कम्युनिस्ट देश था। लेकिन अफगानिस्तान में एक ग्रुप था मुजाहिदीन, जो अफगान कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ हो गया और मुजाहिदीन ग्रुप ने अफगान सरकार से युद्ध शुरू कर दिया। इसलिए यूएसएसआर भी अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की मदद के लिए युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध साल 1979 में शुरू हुआ था, जिसमें एक तरफ मुजाहिदीन थे और दूसरी तरफ अफगानिस्तान और यूएसएसआर की कम्युनिस्ट सरकार थी। यह युद्ध 10 साल तक चला, यानी 1989 में खत्म हुआ। लेकिन इस युद्ध में यूएसएसआर के करीब 15,000 सैनिक शहीद हो गए और करीब 50,000 से ज्यादा घायल हुए थे। इस कारण यूएसएसआर की जो इमेज थी दुनिया के सामने कि यूएसएसआर दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी आर्मी है, फिर भी मुजाहिदीन जैसे एक छोटे से ग्रुप को भी नहीं हरा पाया। मतलब इस युद्ध से यूएसएसआर की इमेज बहुत खराब हुई, जिसका असर उनकी इकोनॉमी पर भी हुआ। और आखिरी कारण बेटर एजुकेशन। एजुकेशन यानी शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो तलवार की धार से भी तेज होता है। यूएसएसआर में इतनी सख्त तानाशाही के बावजूद भी 1980 आते आते लाखों लोग शिक्षित हुए थे। इस कारण धीरे धीरे जनता पर जो भारी प्रतिबंध लगे थे वो कम हो रहे थे, जिस कारण उन लोगों में दुनिया के बारे में जानकारी बढ़ने लगी। फिर पढ़े लिखे लोगों ने सोशल ग्रुप बनाने शुरू किए जो बहुत प्रभावशाली होते गए। यानी धीरे धीरे लोग जागृत होने लगे थे और समझने लगे थे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो ये सब मेन कारण थे, और भी बहुत से छोटे छोटे कारण थे जिससे यूएसएसआर की इकोनॉमी गिरती जा रही थी। इस इमेज में देखिए आप, साल 1928 से लेकर साल 1987 तक यूएसएसआर की इकोनॉमी कैसी थी। इसमें आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे गिरती ही जा रही थी। शुरुआत में यानी 1928 में देखें तो सबसे बेहतर थी, और आखिर में 80 के दशक में सबसे कम हो गई थी। और उसी दौर में यानी साल 1985 में मिखाइल गोरबाचेव यूएसएसआर की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी यानी एक तरह से राष्ट्रपति बने, जो यूएसएसआर के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने लोगों को आजादी देना चाहते थे। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई उनसे और पूरी बाजी पलट गई। तो 1985 में मिखाइल गोरबाचेव के आने के बाद सारा खेल शुरू हुआ। मिखाइल गोरबाचेव के आने के बाद उन्होंने देखा कि हमारे यूएसएसआर की इकोनॉमी जो गिर रही है उसे वापस ऊपर उठाना है और यूएसएसआर में कुछ पॉलिसी को बदलना है। इसलिए मिखाइल गोरबाचेव दो नई पॉलिसी लागू करते हैं, एक पेरेस्त्रोइका और दूसरी ग्लासनोस्ट पॉलिसी। ये रशियन लैंग्वेज के शब्द है। तो इसमें ग्लासनोस्ट पॉलिसी का मतलब था कि अब यूएसएसआर के लोग जो बोलना चाहते हैं वो बोले, मीडिया को अब जो लिखना है वो लिखे, किसी को भी जेल में नहीं डाला जाएगा, सबको बोलने की और लिखने की आजादी दे दी गई। इससे क्या हुआ कि वहां के लोग और मीडिया यूएसएसआर की सरकार के खिलाफ लिखने लगे कि हमारी इकोनॉमी गिर रही है, हमारे देश में सुधार की जरूरत है। और इन 15 देशों से मिलकर यूएसएसआर बना था, तो इस समय तुर्कमेनिस्तान के लोग अपने तुर्कमेनिस्तान के लिए आजादी मांगने लगे, कजाकिस्तान के लोग अपने देश के लिए आजादी मांगने लगे। इस तरह से इन सभी देशों के लोग मीडिया के कारण जागृत होने लगे और आंदोलन शुरू हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ कि हमें आजादी दो, हमें अलग देश बनना है। इस्टोनिया लातविया भी अलग देश करने की मांग करने लगे, क्योंकि अब जेल में डालने वाला कोई नहीं था। तो ये थी पहली पॉलिसी। अब दूसरी पॉलिसी पेरेस्त्रोइका। इसमें चुनाव यानी इलेक्शन लाया गया, क्योंकि अब तक यूएसएसआर में सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी का ही चुना हुआ आदमी नेता बन सकता था। एक ही नेता,
वो भी उनके पार्टी के मेंबर चुनते थे। लेकिन इस पॉलिसी के बाद अब एक ही पद के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के दो नेता खड़े हो सकते थे, यानी लोग अपने पसंदीदा नेता को अब वोट दे सकते थे। पहले ऐसा नहीं था। इस पॉलिसी के तहत यूएसएसआर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बुलाया गया, यानी बाहर से बड़ी कंपनियां यूएसएसआर में फैक्ट्री खोल सकती थी, अपना बिजनेस खड़ा कर सकती थी, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। और इस पॉलिसी से पहले तक यूएसएसआर के लोग खुद का बिजनेस नहीं कर सकते थे, लेकिन इस पॉलिसी के बाद अब लोग खुद की फैक्ट्रियां या खुद का उद्योग शुरू कर सकते थे, यानी प्राइवेट बिजनेस को छूट दे दी गई। तो ये दो पॉलिसी मिखाइल गोर्बाचेव लेकर आए थे और उनका मकसद यही था कि यूएसएसआर फिर से विकसित देश बन सके। लेकिन यही दो पॉलिसी यूएसएसआर के टूटने का कारण बनी। अब साल 1989, जिसे ईयर ऑफ रिवॉल्यूशन नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस साल दुनिया भर में रिवॉल्यूशन हुए थे। 1989 में यूएसएसआर के पड़ोसी देश, यानी ये तीन देश पोलैंड, बल्गेरिया और रोमानिया, इन देशों में कम्युनिस्ट सरकार थी। ये यूएसएसआर का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इन देशों की सरकार वैसा ही करती थी जैसा यूएसएसआर की सरकार कहती थी, यानी इन देशों की सरकार एक तरह से यूएसएसआर की कठपुतली थी जो सभी आदेश मॉस्को से लेती थी। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव की दो पॉलिसी पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त के कारण पोलैंड, रोमानिया और बल्गेरिया में रिवॉल्यूशन हुआ कि कठपुतली सरकार हटा दो, और यह रिवॉल्यूशन दूसरे देशों में भी फैलने लगा। युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी और हंगरी जैसे कई देशों में कम्युनिस्ट सरकार को हटाने के लिए क्रांति हुई, और 1991 आते आते इन सभी देशों में कम्युनिस्ट सरकारों को गिरा दिया गया, सिर्फ रोमानिया को छोड़कर, क्योंकि उस समय रोमानिया का जो तानाशाह था निकोले केस्काव, गलत उच्चारण के लिए माफी चाहूंगा, तो इस तानाशाह ने रोमानिया के लोगों के सामने अपनी आर्मी खड़ी कर दी, जिसमें कई लोग मारे गए। लेकिन बाद में रोमानिया के लोगों ने निकोलस केस्काव और उनकी पत्नी को लाइव टीवी पर मार दिया था। तो पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, ईस्ट जर्मनी, बल्गेरिया, युगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया में जो कठपुतली सरकार थी, जो यूएसएसआर के मॉस्को से दिए गए आदेशों को मानती थी, वो सब कठपुतली सरकार इन देशों में गिर गई। इस दौरान मिखाइल गोर्बाचेव चाहते तो इन देशों में यूएसएसआर की आर्मी भेजकर इन विद्रोह को रोक सकते थे, लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनी आर्मी भेजने से मना कर दिया था। इससे पहले यूएसएसआर ऐसी गलती नहीं करता था। जब 1956 में हंगरी में एक रिवॉल्यूशन हुआ कम्युनिस्ट सरकार को गिराने के लिए, तब भी यूएसएसआर ने अपनी आर्मी भेजकर हंगरी के इस रिवॉल्यूशन को बिखेर दिया था, जिसमें हंगरी के बहुत सारे लोग मारे गए थे। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने इस बार ऐसा नहीं किया, इसलिए इस सभी देश आजाद हो गए। इससे पहले जर्मनी दो भागों में बटा हुआ था, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी। लेकिन इस रिवॉल्यूशन के बाद नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई और दोनों जर्मनी फिर से एक हो गए, यानी जर्मनी का एकीकरण हो गया। और उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि अमेरिका का और यूएसएसआर का कोल्ड वॉर अब खत्म हो चुका है, क्योंकि यूरोप के कई देशों में अब कम्युनिस्ट सरकारें गिर गई है। अब ईस्टर्न यूरोप के कई देश आजाद हो गए थे, लेकिन यूएसएसआर अब भी टिका हुआ था। पर यूरोप के जो देश आजाद हुए थे उन्हें देखकर यूएसएसआर में जो 15 गणराज्य थे उनमें भी अलग देश बनने की मांग उठने लगी, जिसमें सबसे पहले अलग देश की मांग की इन तीनों देशों ने, इस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू से पहले ये तीनों देश आजाद थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में यूएसएसआर ने इन तीनों देशों पर कब्जा कर लिया था और इन तीनों देशों को यूएसएसआर में मिला दिया गया था। इसलिए इन तीनों देश के लोगों ने मांग करी कि हम पहले आजाद थे, यूएसएसआर ने जबरन हम पर कब्जा किया था, लेकिन अब हमें आजादी चाहिए। इसलिए यूएसएसआर से सबसे पहले ये तीनों देश आजाद हो गए। फिर 1991 में यूएसएसआर के बाकी देशों ने भी खुद को आजाद घोषित कर दिया और इन सभी देशों में इलेक्शन हुए, जिसमें यूएसएसआर के सभी देशों में कम्युनिस्ट सरकार इलेक्शन हार गई। लेकिन इसी दौरान 1991 के अगस्त महीने में एक हिस्टोरिक इवेंट हुआ जिसे अगस्त कू कहते हैं।
यूएसएसआर की सत्ता मिखाइल गोरबाचेव के हाथ में थी और 1991 के अगस्त महीने में मिखाइल गोरबाचेव क्रीमिया गए थे। यहाँ पर तभी यूएसएसआर की कम्युनिस्ट पार्टी के जो बाकी बड़े नेता थे वो चाहते थे कि यूएसएसआर ना टूटे, जैसा था वैसा ही बना रहे। और इन बाकी बड़े नेता में यूएसएसआर के रक्षा मंत्री, उपराष्ट्रपति, उनका मानना था कि ये सब जो हो रहा है वो मिखाइल गोरबाचेव की पॉलिसी के कारण हो रहा है, इसलिए मिखाइल गोरबाचेव को सत्ता से हटाना पड़ेगा। इस कारण इन बाकी बड़े नेताओं ने मिलकर मिखाइल गोरबाचेव जो क्रीमिया में गए थे वहां पर उन्हें नजरबंद करवा दिया और यूएसएसआर में खबर फैलाई कि मिखाइल गोरबाचेव बीमार है, इसलिए अब यूएसएसआर में इमरजेंसी लागू हुई है और हम ही लोग देश को चलाएंगे। असल में इस षड्यंत्र को रचने वाले टोटल 8 नेता थे जो यूएसएसआर की कम्युनिस्ट पार्टी के ही थे। उन्होंने जबरन यूएसएसआर में इमरजेंसी लागू करवा दी, इसलिए यूएसएसआर के लोग नाराज हो गए और सब सड़कों पर उतर आए। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहरों में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, पर सामने कम्युनिस्ट सरकार थी। उन्होंने 19 अगस्त को यूएसएसआर की आर्मी बुलाई ताकि लोग डर कर वापस चले जाए, पर जो आर्मी के बड़े बड़े अफसर थे उनमें से ज्यादातर ने मना कर दिया कि हम अपने ही लोगों के खिलाफ नहीं जाएंगे। और ज्यादातर आर्मी के मना कर देने से ऑगस्ट कू फेल हो गया, क्योंकि लोग वहीं चाहते थे। आर्मी आई थी लेकिन बहुत कम। कुछ इमेजेस है इस कू की, आप देख सकते हैं। लोग टैंकों पर चढ़ गए हैं, वे लोग चाहते थे कि कोई खून खराबा ना हो, बस हम आजादी चाहते हैं, तो आप शांति से हमें आजादी दे दो। अब इस इमेज को देखें, इसमें ये जो आदमी है जिसके हाथ में कुछ पेपर है, इनका नाम बोरिस एल्त्सिन था और यह इमेज भी बहुत फेमस है। बोरिस एल्त्सिन यूएसएसआर की कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे और आज का जो रूस है यानी विघटन के बाद के रशिया, उसी के रहने वाले थे बोरिस एल्त्सिन। और इस अगस्त को जो हुआ था उसमें बोरिस एल्त्सिन लोगों के साथ सड़कों पर उतर आए लोगों को सपोर्ट करने के लिए। और इस इमेज में बोरिस एल्त्सिन एक टैंक के ऊपर खड़े होकर लोगों को एक जबरदस्त भाषण देते हैं। उन्होंने कहा कि यूएसएसआर काफी बड़ा है जिस कारण हमें काफी नुकसान होता है, हमारे लिए यह बिल्कुल फायदेमंद नहीं है, इसलिए यूएसएसआर से रशिया को आजाद करो, क्योंकि यूएसएसआर के बाकी देश बहुत छोटे छोटे हैं, इसका बोझ रशिया को नहीं उठाना चाहिए, इसलिए रशिया को भी आजाद हो जाना चाहिए। और लोगों की जो मांग है यूएसएसआर को तोड़ने की और सभी देशों को आजाद करने की, उसे पूरी करेंगे, इसलिए हम इमरजेंसी को लागू नहीं होने देंगे। और इसी के साथ बोरिस एल्त्सिन ने कम्युनिस्ट पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। अब जैसा लोग चाहते थे वैसा ही बोरिस भी चाहते थे। इन्होंने सड़कों पर जो लोग थे उनका अच्छे से नेतृत्व किया, जिस कारण बहुत कम समय में बोरिस एल्त्सिन एक बड़े नेता के रूप में उभरे। और फिर आज जो रशिया है यूएसएसआर के टूटने के बाद का, उसमें इलेक्शन हुए जिसमें बोरिस एल्त्सिन जीते और रूस के पहले राष्ट्रपति बने थे। अब यूएसएसआर के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोरबाचेव, वो जब वापस आए मॉस्को तब यूएसएसआर का सारा पावर बोरिस एल्त्सिन के पास आ गया था, यानी अब मिखाइल गोरबाचेव के पास किसी भी तरह का कोई पावर नहीं था, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो बोरिस एल्त्सिन का राष्ट्रपति बनने के बाद यूएसएसआर को तोड़ने के लिए सब कुछ बड़ी जल्दी होने लगा। 8 दिसंबर 1991 के दिन एक समझौता हुआ जिसका नाम था बेला वेजा अकॉर्ड्स। ये ओरिजिनल इमेज है उस समय की जिसमें यह है बोरिस एल्त्सिन। इस समझौते में यूएसएसआर के तीन जो सबसे बड़े देश थे, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों देशों ने हस्ताक्षर किए अलग देश होने के, और इसी के साथ यूएसएसआर टूट गया। अब मिखाइल गोरबाचेव सब कुछ देख रहे थे कि यूएसएसआर अब टूट गया है, जिस देश के वे राष्ट्रपति थे वो देश अब था ही नहीं। इस कारण मिखाइल गोरबाचेव ने 21 दिसंबर को यूएसएसआर से आजाद हुए सभी देशों के राष्ट्रपतियों को बुलाया और अल्मा आटा डिक्लेरेशन हुआ। इस इमेज में देख सकते हैं आप, इस डिक्लेरेशन में मिखाइल गोरबाचेव ने साइन करके सभी देशों को आजादी दे दी। फिर 25 दिसंबर को मिखाइल गोरबाचेव ने यूएसएसआर के राष्ट्रपति पद से भी इस्तीफा दे दिया। तो इस तरह से यूएसएसआर टूटा था, यानी सोवियत संघ का विभाजन हुआ था।
अब बात करते हैं कि विभाजन के बाद जो नए देश बने 15, उन देशों में क्या माहौल था। यूएसएसआर से आजाद होकर जो नए 15 देश बने, रशिया, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, इन सभी देशों के लिए 1990 का दशक बहुत बुरा था, क्योंकि विभाजन के बाद नई सरकार बनती है जिनके हाथ में कुछ भी नहीं होता है, तिजोरियां भी खाली होती है देश की, सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। इस कारण इन सभी देशों की जीडीपी बहुत गिर गई थी, करीब करीब आधी जीडीपी हो गई थी और कुछ देशों में इससे भी कम हो गई थी जीडीपी। बेरोजगारी बहुत ज्यादा होने के कारण इन देशों में गरीबी बढ़ने लगी और गरीबी बढ़ी तो लोग भूखे तो रहेंगे नहीं, क्राइम भी बहुत बढ़ने लगे, भ्रष्टाचार भी बढ़ा नए देशों में, गरीब और गरीब होते गए और अमीर होते गए। 1990 का दशक इन देशों के लिए एक बहुत बुरा दौर था, लेकिन साल 2000 के बाद सब कुछ ठीक हो गया और सभी देश अपनी अपनी राह पर चल पड़े हैं। अब बात करते हैं कि यूएसएसआर के टूटने से दुनिया में क्या परिवर्तन आया। तो सोवियत संघ के टूटने से दुनिया में महाशक्ति बनने की होड़ लगी थी वो खत्म हो गई और अमेरिका अकेला महाशक्ति के रूप में टिका रहा, जिसने यूएसएसआर के टूटने के बाद पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व जमाया। सोवियत संघ के टूटने के साथ ही शीत युद्ध भी खत्म हो गया और ईस्टर्न यूरोप के देशों में जो कम्युनिज्म था वो भी खत्म हो गया और सभी देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई। और जो थर्ड वर्ल्ड के देश थे दुनिया में, जिन देशों को यूएसएसआर मदद करता था, आर्थिक, सैनिक और तकनीक जैसी सभी मदद, उन देशों को यूएसएसआर की मदद मिलने बंद हो गई, क्योंकि अब यूएसएसआर खत्म हो गया था, जिस कारण उनका भी बहुत बुरा दौर शुरू हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय तक लोगों का दमन करना, उन्हें गुलाम बनाकर डरा धमका कर उन पर शासन नहीं किया जा सकता, इससे दुनिया भर में लोकतंत्र को बढ़ावा मिला था। तो ये थी यूएसएसआर बनने और यूएसएसआर के टूटने की कहानी। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कम से कम लाइक तो जरूर कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे इतिहास का एक और वीडियो लेकर। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।